ऐसे में जब बैठक आज होगी तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर नेगोशिएशन की उम्मीद रखी जा सकती है या बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, WMCC की बैठक में यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष में जब कमांडर लेवल की बातचीत होगी तब टेक्निकल बातचीत होगी, यानी जो पोजीशन है एक एक दोनों सेनाओं की, उस पोजीशन को लेकर कि कौन कितने पीछे जाएगा, किस तरह से डिसएंगेजमेंट को जो है सो अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के कमांडर, वहाँ के ऑफिसर्स ही बेहतर बता सकते हैं कि किसे कितना हद तक अगर पीछे जाया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या खतरा नहीं होगा, इस तरह की बातें होनी थी। लेकिन उसके लिए भी माहौल अभी ऐसा नहीं है जिसमें ये लगे। दूसरी बात ये है कि हमारी जो शर्त है कि अप्रैल 2020 से चीन पीछे जाए, यथास्थिति को बरकरार रहे, उसको लेकर चीन का कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अब तक देखने को मिला नहीं है। ठीक है मनीष, नजर आप बनाए रखिएगा, देखते हैं आज की इस बैठक में क्या होना है, क्योंकि इससे पहले भी कई राउंड की बैठक कमांडर लेवल की हो चुकी है LAC पर तनाव कम करने को लेकर, लेकिन बैठक में कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया। इस बीच चीन को एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने करारा जवाब भी दिया है। LAC पर अगर चीन आक्रामक हुआ तो भारत भी होगा, ये दो ठूक कह दिया भदौरिया ने। और साथ ही वो कहते हैं कि LAC पर भारतीय सेना हर सिचुएशन के लिए तैयार है। 8 राफेल फाइटर जेट पहले ही भारत आ चुके हैं, 3 राफेल इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा RKS भदौरिया ने। ये विंटर्स हैं, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है, क्या अभी भी कंटिन्यू फ्लाइंग हो रही है उन सब इलाके में, खासतौर पर फ्लाई रफाल फ्लाई कर रहे हैं उस तरह? हाँ, सब तैयारी चल रही है, अगर वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। और गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तान की आतंकी सुरंग का भांडाफोड़ हुआ है। BSF को मिली है 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग। ये देखिए सुरंग की तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सुरंग से 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आतंकी लॉन्चिंग पैड है। सुरंग का दूसरा छोर पाकिस्तान के शकरगढ़ में बताया जा रहा है। सुरंग से आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में था पाकिस्तान, क्योंकि यह सुरंग पाकिस्तान की ओर जहां खुलती है उससे कुछ ही दूरी पर आतंकियों का लॉन्चिंग पैड भी है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सुरंग क्यों बनाई गई पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान की सुरंगी साजिश से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स आपको दे देते हैं। 10 दिन बाद पाकिस्तान की बनाई ये नई सुरंग मिली है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। LOC पर 6 महीने में के भीतर चौथी सुरंग खोजी गई है, चौथी। लगातार ये सिलसिला जारी है, लगातार ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में अब तक 10 आतंकी सुरंग मिली है। सुरंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 6 आतंकी लॉन्चिंग पैड हैं जो साफ जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान के टेररिस्टान के इरादे। पाकिस्तान के शकरगढ़ में कई आतंकी लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। बड़ा मंसूर भाई लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ की यह साजिश रची गई, इसके भी पूरे सबूत मिले हैं। LOC पर बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ कराती है ISI और पाकिस्तान की सेना, और अब घुसपैठ के लिए कैसे सुरंगों का सहारा लिया जा रहा है ये इस खबर से साफ होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।